1912 में रिलीज हुई फिल्म श्री पुंडलिक को फर्स्ट इंडियन फिल्म क्यों नहीं कंसिडर्ड किया जाता है, जबकि ये फिल्म फिल्म राजा हरिश्चंद्र के एक साल पहले रिलीज हुई थी। गोपाल रामचंद्र तोर ने उर्फ दादा साहेब तोर ने, इन्होंने एपी करंदीकर, एसएन पाटनकर, वीपी दिवेकर और फॉरेन टेक्नीशियंस के मदद से फिल्म श्री पुंडलिक को पूरा किया था, जबकि दादा साहेब फाड़के ने फिल्म राजा हरिश्चंद्र को पूरी तरह से इंडिया में ही प्रोसेस करके 1913 में मुंबई में इसे रिलीज कर दिया था। दादा साहेब फाड़के वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रोसेस द फिल्म कम्प्लीटली इन इंडिया। इसी के कारण फिल्म राजा हरिश्चंद्र को द फर्स्ट इंडियन फिल्म कंसिडर्ड किया जाता है। Thanks for watching. For more such videos, please subscribe to our channel.